हाँ जी भाइयों, तो काफ़ी ख़तरनाक स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज जो कि काफ़ी गलत हुआ है अपने साथ, तो भैया अपना कल ट्रैक्टर चल रहा था तोता पर, हाँ तो अपना भाई ही चला रहा था, तो मुझे तो पता भी नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ। बाकी यार जो अपने जो बूफर है वो जो है कि नहीं चल रहे हैं, तो काफ़ी ये ख़राब बात है। तो भाई अपना चला रहा था ट्रैक्टर तो बिल्कुल लो मीडियम आवाज़ पर, और जो है कि कुछ हुआ और एकदम दोनों बूफर बंद हो गए। स्पीकर तो चल रहे अपने लेकिन बूफर जो है कि बंद हो गए। तब से ही जो है कि अपने को चैन नहीं है, आखिर मतलब क्या हुआ होगा। पंजाब भी अपन ने फ़ोन लगा दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि आप जो है कि डायरेक्ट प्लस माइनस लगाकर बूफरों को चेक करो, अगर चल जाए तो ठीक, अगर नहीं चले तो फिर वही पूरा म्यूजिक सिस्टम उतारो और काफ़ी ख़तरनाक काम हो जाएगा यार। तो अच्छे भले अपने जो है कि सीजन आया था और बूफर चल रहे थे, ना जाने कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या मशीन तो मेरे हिसाब से गर्म नहीं होगी क्योंकि मशीन में अपन ने बड़ा फ़ैन लगा दिया था। मशीन वगैरह में दिक्कत नहीं है, जो बूफर है उसमें जो है कि होल हो गया है। तो चलता हूँ मैं अभी, आपको बताता हूँ बूफर की हालत। बाकी बूफर से ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई क्योंकि सीधा अगर दोनों बूफर चले गए तो लगभग 10 या 12 हज़ार के आसपास। पैसों का तो कुछ भी नहीं यार, लेकिन जो दौड़ना भागना है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगा। और सारी पेटी को नीचे उतारो, फिर उसमें जो है कि फिर से वायरिंग करो, मतलब काफ़ी ख़तरनाक काम हो गया। तो देखते हैं अभी ट्रैक्टर की क्या स्थिति है और कहाँ से कैसे क्या होल हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखेंगे, नहीं तो पूरा जो है कि अपना साउंड सिस्टम नीचे उतारना पड़ेगा। चलते हैं ट्रैक्टर के पास। लो जी, तो ये रहा अपना ट्रैक्टर। बाकी बताता हूँ मैं आपको बूफर में कहाँ दिक्कत है। तो ये यहाँ पर बूफर में जो है कि गोल गोल होल हो चुका है। बाकी स्पीकर अपने सही है, बाकी ये है बूफर के वायर जो कि मैंने निकाल दिए। तो देखते हैं अभी बूफर में मिस्टेक है या किस चीज़ में, हो सकता है अपने मोनो में भी दिक्कत आ जाए। बाकी कुछ इस प्रकार अपन ने वायरिंग यार काफ़ी बढ़िया अपन ने फिट इसको किया था। बाकी एम्पलीफायर अपना यहीं पर लगा हुआ है, इसको भी हो सकता है निकालना पड़े चेकिंग के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ बटन है, हाँ जी। तो ये रहे अपने दोनों बूफरों के वायरिंग। तो अपने जो पंजाब वाले भाई हैं उन्होंने बोला है भैया कि डायरेक्ट जो है कि प्लस या माइनस लगाकर देखो बूफरों में, अगर बूफर चल जाएंगे या रन कर रहे हैं तो फिर आपके जो है कि बूफर सही है, एम्पलीफायर में मिस्टेक है। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट प्लस माइनस चेक करते हैं। तो यहाँ पर बूफर तो अपना वर्क कर रहा है, तो शायद उधर वाला भी अपन अब देखेंगे कि वो चल रहा है या नहीं। तो उसका वायर जो है कि दूसरा है, तो बढ़िया है यार। अगर बूफर अपने सही हो जाए तो बढ़िया है, एम्पलीफायर तो अपन कहीं भी करवा लेंगे और एम्पलीफायर में इतना खर्चा भी नहीं आता है। तो ये वाला उधर वाला बूफर देखते हैं अपन वो रन कर रहा है या नहीं। ये डायरेक्ट, ओ भाई साहब ये भी काफ़ी ख़तरनाक वर्क कर रहा है। तो बूफर तो अपने लगभग सही होंगे। बात करते इधर वाले की, तो ये भी अगर चल जाए तो अच्छी बढ़िया ही बात है। तो वो वाला बूफर भी अपना सही है। बाकी चलते हैं अब अपना एम्पलीफायर को खोलते हैं। तो बूफर के तार वगैरह अपन ने निकाल दिए हैं। बाकी ये स्पीकर ले जा रहा हूँ मैं, पड़ा था अपनी शॉप पर, तो इसे डायरेक्ट बूफर के वायर इसमें लगा कर देखेंगे। अगर ये चल जाएगा तो ठीक, अगर ये नहीं चलेगा तो अपनी मोनो ख़राब, और ये चल जाएगा तो अपने जो है कि बूफर ख़राब। चलते हैं इसको चेक कराते हैं क्या रिस्पॉन्स है, वरना पूरी पेटी को नीचे उतारना पड़ेगा। देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। और ये ट्रैक्टर तो खड़ा है यार अपना, ये भी जुगाड़ जुगाड़ की कमी नहीं अपने यहाँ। ऐसे हल्के भी डाल सकते थे अपन, करते हैं इसे चेक।
जी शायद मेरे हिसाब से वो वाला स्पीकर बंद है, इसे अजमाते हैं क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं ये चल पाता है या नहीं। अगर ये भी नहीं चला तो काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है, देखते हैं इसे चेक कर कर। लो जी तो एम्पलीफायर अपन ने निकाल ली है यहाँ पर, क्योंकि भैया जो अपने बूफर के वायर हैं उनमें जो एक स्पीकर जोड़ के अपन ने देख लिया है तो चले नहीं, बाकी ये चारों स्पीकर तो चल रहे हैं यार, सिर्फ जो है कि जो दोनों बूफर नहीं चल रहे हैं। तो बूफर जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हालत, बाकी करेंगे इसको भी रिपेयरिंग। तो अपनी प्लेटिना 100 का डलाओ 70 चलाओ लेकर आ चुका हूँ, बाकी यार मोनो मैंने अंदर रख लिया है। तो अभी चलते हैं, अपना गांव जो है कि पीछे है और यहाँ से अपने गांव से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर अपना भरोसेमंद एक आदमी है, उसको जो है कि अपना मोनो बताएंगे, बाकी देखते हैं। बाकी आज से जो है कि गर्मी और जो कि लू है हाँ वो जो है कि ख़तरनाक वाली चालू हो चुकी है, देखते हैं इस मोनो में प्रॉब्लम है, अगर इसमें प्रॉब्लम अगर निकल गई तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि बूफर में अगर प्रॉब्लम आ गई तो काफ़ी दिक्कत वाली बात, इंदौर जाओ और काफ़ी मतलब माथा पच्ची वहाँ जाएगा, वहाँ से रिपेयरिंग होगा और फिर आएगा, और अगर रिपेयरिंग या वारंटी अगर उसकी क्लेम नहीं हुई तो यार मतलब दोनों बूफर तो 10-12 हज़ार के आ गए, और अगर एक हुआ तो लगभग 5,000 या 5,500 के करीब आएंगे। बाकी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसकी सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अभी अपन शॉप पर और वहाँ बताएंगे इसको कि भैया क्या दिक्कत है इसमें। The next day. लो जी तो ये पड़ा अपना ट्रैक्टर, बाकी मोनो अपन ने कल निकाल दी थी, तो ये तो हो गई है भैया, इसका जो है कि मॉस्फेट आईसी उड़ चुकी है, बाकी मैंने इसको निकाल दी कल, अपन निकाल के इसको शॉप पर ले गए तो वहाँ से जो है कि ये ख़राब हो गई है, तो इसमें या तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। भैया यार देखो बिल्कुल नहीं है इसमें कोई ऐसी, बाहर से तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका जो है कि अंदर का आईसी वगैरह उड़ गया है, तो इसको भी सुधरा के लेंगे, बाकी ट्रैक्टर की हालत भी बेचारे की ख़राब हो चुकी है, तो इसको भी साइड में लगाना है अपने को। तो भाइयों लगा दिया अपन ने ट्रैक्टर को साइड में, क्योंकि अब एक दो दिन बाद और देखेंगे, तो कल अपन जो है कि टेप रख कर आए थे तो आज ले आए हैं उसको, बाकी उसको लेने में कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो उसका आईसी है जिसे मॉस्फेट बोल सकते हो आप, जो जिससे जो है कि बूफर रन करता है, तो स्पीकर वाला मॉस्फेट तो नहीं उड़ा है, और जो अपने बूफर वाला मॉस्फेट है वो उड़ चुका है, जिससे जो है कि अब शायद अपने को पंजाब से ही सामान मंगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर आसपास तो नहीं मिलेगा, नहीं तो कल एक भाई से बात हुई है कल वहाँ चलेंगे, अपने यहाँ से होगा करीब 30-40 किलोमीटर, तो देखते हैं कल वहाँ पर चलेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, तो काफ़ी यार मेहनत अपन ने म्यूजिक सिस्टम में की और ख़राब हो गया, तो कोई बात नहीं, चलते हैं सुबह मॉस्फेट उसका जो है कि सही करवा के लाते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, और बने रहे वीडियो में, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देखते हैं आगे क्या होता है।